Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Organization and Management. Today, in this particular session, we are going to discuss about the recent developments of the management thoughts. आज के modern development में management से regarding कुछ approaches create हुई है और basically these approaches are the recent and modern approaches regarding the management. And these approaches basically टू काइंड्स अप्रोचेज हैं जो आजकल रिसेंट डेवलपमेंट मैनेजमेंट में हुए हैं. फर्स्ट अप्रोचेज बेसिकली मैनेजमेंट में क्या क्या नए मॉडर्नाइज हुआ, जैसे कि हमने क्लासिकल थ्योरी में हमने फियोल एंड हेनरी टेलर की थ्योरी को पढ़ा, तो आज की डेट में हम मैनेजमेंट में कौन से मॉडर्न अप्रोचेज को यूज़ कर रहे हैं. बेसिकली दो तरह के अप्रोचेज को यूज़ किए हैं. फर्स्ट वन इज़ द सिस्टम अप्रोच और द कंटीजेंसी अप्रोच, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. द सिस्टम अप्रोच क्या है? बेसिकली सिस्टम अप्रोच सेट ऑफ एनी सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पार्ट दैट इंटरेक्ट टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वन होल. इट मीन्स दैट सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक तरह का डिफरेंट डिस्टिंग अलग अलग डिफरेंट पार्ट का इंटरेक्शन होता है, और ये डिफरेंट पार्ट जब आप में इसमें इंटरेक्ट करते हैं और उससे एक सिस्टम क्रिएट होता है. तो लाइक सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज सिस्टम, और इस सिस्टम में बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड द सीपीयू. ये सब पार्ट जो होते हैं ये डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में. ये सब पार्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं. मीन्स मॉनिटर से कीबोर्ड जुड़ा हुआ है एंड कीबोर्ड माउस से जुड़ा हुआ है, एज वेल एज जो हमारा मॉनिटर है वो हमारे सीपीयू से जुड़ा हुआ है. इस तरह से हर एक पार्ट आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं. इसमें से एक पार्ट भी अगर हट जाएगा तो यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा. इट मीन्स सिस्टम क्या होता है? सिस्टम में बेसिकली सिस्टम अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स का इंटरैक्ट होता है. उस इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं जो आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्रिएट करते हैं, दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर सिस्टम. तो हम मैंने एग्जांपल में आपको बताया कंप्यूटर के बारे में, एंड यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट कि मैम मैनेजमेंट में कंप्यूटर के बारे में क्यों बता रही है. तो सिस्टम अप्रोच क्या कहता है कि जिस तरह से सिस्टम वर्क करता है, लाइक कोई भी सिस्टम क्या होता है, उसमें एक इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है. कंप्यूटर में हम कोई चीज़ टाइप करते हैं कीबोर्ड में, ये हमारा इनपुट होता है. माउस से भी हम इनपुट करते हैं. एंड प्रोसेसिंग कहाँ होता है? हमारा प्रोसेसिंग हमारा बेसिकली सीपीयू में होता है. सीपीयू हमारी कैलकुलेशन वगैरह होती है, और मॉनिटर के थ्रू हमें आउटपुट दिखता है. तो ये एक सिस्टम में इस तरह वर्क होता है, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, तब एंड आउटपुट होता है. उसी तरह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो मैनेजमेंट है, वो ये कहती है कि आज की डेट में, आज इन करंट एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन is considered as ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंसिडर किया गया? ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर एज सिस्टम. तो बेसिकली मैं आपको क्यों बता रही हूँ सिस्टम के बारे में यहाँ पर, क्योंकि सिस्टम अप्रोच में जिस तरह से इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है इन अ सेम मैनर, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कंसिडर एज सिस्टम. ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम के तरह वर्क करती है. सिस्टम होता है, इस सिस्टम में बहुत सारे सब पार्ट होते हैं, डिफरेंट सब पार्ट होते हैं, लाइक एम्प्लॉइज, एसेट, प्रोडक्ट, रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन होती है. और ये सब पार्ट जो होते हैं आपस में एक दूसरे से इंटररिलेट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और इससे मिलकर एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं. तो एक ऑर्गेनाइजेशन आजकल, आज के मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न में मैनेजमेंट ये कहता है कि सिस्टम अप्रोच की तरह मैनेजमेंट वर्क करता है. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम की तरह वर्क करती है. तो और अगर वो वर्क करेगी तभी एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम अप्रोच की तरह वर्क करता है. इट मींस ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर एज सिस्टम, और इस सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ये जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लाइक एम्प्लॉइज, एसेट, प्रोडक्ट, रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन, दिस सिस्टम में दी डिफरेंट पार्ट्स इज नोन एज सब सिस्टम. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इन सब पार्ट को हम सब सिस्टम कहते हैं. तो आपको क्लियर हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक सिस्टम है. इस सिस्टम के अंदर एम्प्लॉय, एसेट, प्रोडक्ट, रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन क्या है? सब सिस्टम है. जिस सब सिस्टम आपस में रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तभी जाके हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली, एफिशिएंटली काम कर पाती है, अपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाती है. तो वी कैन से दैट इन सिस्टम अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह कंसिडर किया गया है, और इस सिस्टम में बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं लाइक एम्प्लॉय, एसेट, प्रोडक्ट, रिसोर्सेज होती है. जैसे कि कंप्यूटर एक सिस्टम है और इसमें सब सिस्टम क्या हुए? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब
सब सिस्टम है, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है। इस सिस्टम में सब सिस्टम क्या हुए, एम्प्लॉयज, एसेट, प्रोडक्ट, रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, और ये सब मिलकर आपस में एक दूसरे से रिलेटेड। एम्प्लॉय एसेट से जुड़ा हुआ है, एसेट से प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट से रिसोर्सेज आते हैं, और रिसोर्सेज के थ्रू हम प्रोडक्ट कस्टमर को, कस्टमर तक हम अपना ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर तक सर्विस दी जाती है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे अपने सब सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम के तरह वर्क करता है। तो मैनेजमेंट अप्रोचेस में ये कहा गया है कि बेसिकली जो सिस्टम अप्रोच में यह कहा गया है कि मैनेजमेंट करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को वी हैव टू बी कंसिडर ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम इन विच द सब सिस्टम आर वर्क एंड इंटर डिपेंडेंट एंड वर्क टूगेदर एज एन सिस्टम। तो सिस्टम अप्रोच इज बेस्ड ऑन द जनरलाइजेशन दैट एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। सिस्टम अप्रोच कहती है कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इंटर रिलेटेड होती है और इंटरडिपेंडेंट होती है। अ सिस्टम इज कंपोज ऑफ द रिलेटेड एंड डिपेंडेंट एलिमेंट। एक सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जो होते हैं, ये मिलकर एक होल सिस्टम को परफॉर्म करने में, सक्सेसफुली एफिशिएंटली काम करने में हेल्प करते हैं। अ सिस्टम इज सिंपली असेंबल एंड कम्बिनेशन ऑफ थिंग्स एंड पार्ट फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स वन। तो सिस्टम के अंदर छोटे छोटे पार्ट आपस में मिलकर पूरे सिस्टम को क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम अप्रोच। और ये लुंडिंग वॉन लेंटफन लीफी बटलैंड लेम्फी इज कॉल एज अ फादर ऑफ सिस्टम अप्रोच। तो ये लुडविंग वैन बटलैंड लेम्फी जो पर्सन है, एंड ही इज द फादर ऑफ सिस्टम अप्रोच के फादर हैं। थ्रू दिस डायग्राम आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द सिस्टम अप्रोच, और हमने ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम की तरह क्यों कंसिडर किया है। यहाँ पर एज यू नो दैट ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम सिस्टम कह रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम सिस्टम कह रहे हैं, यहाँ कोई ना कोई इनपुट ज़रूर होगा, प्रोसेसिंग भी होगा और आउटपुट भी होगा। जैसे इन अ सेम मैनर एज वी हैव डिस्कस इन अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जिस तरह से इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होना, आउटपुट होता है, यहाँ पर भी सेम ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट क्या होता है, रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, और आप कह सकते हैं द 5M। जो 5 M's होते हैं वो बेसिकली इनपुट होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब इनपुट जो होते हैं वो कंपनी में इनपुट की तरह काम करते हैं। और बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिस्टम, एक बेसिकली प्रोसेसिंग काम करते हैं। तो प्रोसेस क्या हुआ, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो वर्क, एम्प्लॉयज जो होते हैं वो काम करते हैं, मैनेजमेंट एक्टिविटी जो होती है, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन, प्रोडक्शन, ये जो काम होता है बेसिकली ये सब इनपुट रिसोर्सेज को प्रोसेस में लाया जाता है, और यहाँ बेसिकली प्रोसेसिंग होता है। तो वी कैन से दैट ऑल द इनपुट को प्रोसेस के थ्रू, मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन और मैनेजमेंट एक्टिविटी और एम्प्लॉयज एक्टिविटी के थ्रू प्रोसेसिंग किया जाता है इन सब रिसोर्सेज को, इन सब इनपुट को, और इस इनपुट के थ्रू फाइनली एक प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट की जाती है। फाइनेंशियल रिजल्ट निकाले जाते हैं, इंफॉर्मेशन और ह्यूमन रिजल्ट दिए जाते हैं। इट मींस दैट अगर कंपनी में, अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वहाँ रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी के थ्रू, प्रोसेसिंग के थ्रू वो मैन्युफैक्चर होगा, प्रोडक्शन होगा, और फाइनली जो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू एक प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट होगी, जैसे दैट इज आउटपुट, और ये आउटपुट बेसिकली एनवायरमेंट में जाएगा, मींस कस्टमर तक जाएगा। तो बेसिकली वी कैन से दैट जो ऑर्गेनाइजेशन इज वर्क एज अ सिस्टम, और यहाँ इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है। तो ये आप एक डायग्राम यू कैन यूज टू एक्सप्लेन द सिस्टम अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशन, कि क्यों हमने ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम कहा गया है और क्यों सिस्टम अप्रोच यूज होता है। बेसिकली सिस्टम अप्रोच कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बेसिकली दो तरह के सिस्टम क्रिएट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक ओपन सिस्टम होता है और एक होता है क्लोज सिस्टम। एक ओपन ऑर्गेनाइजेशन और एक ओपन सिस्टम वो होता है, ओपन सिस्टम मींस ओपन ऑर्गेनाइजेशन इज करैक्टराइज्ड बाय द इंटरेक्टिंग विद द एक्सटर्नल। एक ओपन ऑर्गेनाइजेशन वो होगी जो बाहर की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को से इंटरेक्शन करती रहेगी, मींस एक्सचेंज करती रहेगी, बाहर की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अपने इनपुट, अपने प्रोसेसिंग एंड आउटपुट में चेंज वेरी करती रहेगी एज पर द नीड एंड द चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना इंटरेक्शन रखेगी। मींस ओपन इन्वायरमेंट, ओपन ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, इट मींस ओपन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होगी।
और क्लोज सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, जो बेसिकली सिर्फ बाहर की इंफॉर्मेशन या बाहर की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इम्पैक्ट नहीं होगी, वो इंटरनली अपने बाहर की इंफॉर्मेशन को बिना कंसिडर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंगली ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली इनपुट करेगी, प्रोसेसिंग करेगी और आउटपुट करेगी. बट एज यू नो दैट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बाहर की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है. बाहर की इंफॉर्मेशन मीन्स कस्टमर, टेक्नोलॉजी, बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंसिडर करते ही अपने इनपुट और अपने प्रोसेसिंग और आउटपुट को क्रिएट करती है. तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ओपन होनी चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी डायनेमिक इन नेचर. और आपको पता ही है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सर्वाइव करेगी जो बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के नीड और अकॉर्डिंगली अपना मैन्युफैक्चरिंग करेगी. अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है तो प्रोडक्ट में भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होना चाहिए. अदरवाइज अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सिस्टम के तरह वर्क कर रही है जो क्लोज्ड है, जो बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बाहर के चेंजेस के अकॉर्डिंग अपना आपको चेंजेस नहीं कर रही है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाएगी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर पाएगी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इट मीन्स है ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, जो बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अडेप्ट करे, वहाँ के चेंजेस को इक्वली इम्बाइब करे और चेंजेस के अकॉर्डिंगली ही अपने प्रोसेसिंग और अपने वर्क शेड्यूल, अपने वर्किंग काम को, अपने सिस्टम को इस तरह से रेगुलेट करे, अपने पूरे सब सिस्टम को इस तरह से रेगुलेट करे ताकि बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो चेंजेस है उसको ईजिली अडेप्ट कर सके. तो बेसिकली सिस्टम कैसा होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करनी चाहिए, शुड बी वर्क एज एन ओपन सिस्टम. तो सिस्टम अप्रोच यही कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम के तरह वर्क करनी चाहिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वर्क अपना आपको करना चाहिए. द सिस्टम इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट बट डिपेंडेंट फॉर द एनर्जी एंड इन्फॉर्मेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बेसिकली एनर्जी के लिए एंड इन्फॉर्मेशन के लिए अपने इन्वायरमेंट पर डिपेंड होती है एंड कैपेसिटी टू अडेप्ट टू चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक्सटर्नल चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपना आपको अडेप्ट कर सके. अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्ट नहीं करेगी या वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, मीन्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रही, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी. एज यू नो दैट मोबाइल्स भी जो आ रहे हैं वो करंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली बहुत मॉडर्नाइज आ रहे हैं. अगर ऑर्गेनाइजेशन पुराने टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो कोई भी कस्टमर उसके प्रोडक्ट को नहीं लेगा. इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को ओपन होना चाहिए करंट एनवायरनमेंट के टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हुए अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपने सिस्टम को उस तरह से बनाना चाहिए, अपने वर्क शेड्यूल, अपने वर्क एफिशिएंसी को उस तरह से करना चाहिए कि जिससे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की नीड के अकॉर्डिंग अपना आपको अडेप्ट कर सके. ऑर्गेनाइजेशन वर्क एज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट दैट फंक्शन इज होलिस्टिक वे टू अचीव द कॉमन पर्पस. तो ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम की तरह वर्क करती है जिसमें बहुत सारे इंटर रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, लाइक HR, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, जो आपस में मिलकर इंटर रिलेट करके कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम अप्रोच एंड लेट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम अप्रोच. वर्ल्ड कैन बी कंसिडर एज सिस्टम. हम एक वर्ल्ड को भी एक सिस्टम के तरह कंसिडर कर सकते हैं जिसमें कि बहुत सारे नंबर ऑफ कंट्रीज होते हैं. नंबर ऑफ कंट्रीज बेसिकली सब सिस्टम होते हैं. तो एक वर्ल्ड एक सिस्टम हुआ जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जो भी सब सिस्टम हुई. ईच इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी इज़ कम्पोज ऑफ वेरियस इंडस्ट्री. और आपको पता ही है कि हर एक इकोनॉमी जो होती है, कोई भी नेशनल इकोनॉमी जो होती है, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है और उस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे फर्म्स होते हैं. बहुत सारे फर्म्स के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं और बहुत सारे सिस्टम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होते हैं. ये सब मिलकर एक वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं. तो हम वह कह सकते हैं वर्ल्ड एक तरह का सिस्टम है जिसमें बहुत सारी इकोनॉमीज है. इकोनॉमीज के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर फर्म्स है और फर्म्स के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम है, लाइक प्रोडक्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट. एंड ये सब मिलकर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इकोनॉमीज, फर्म्स, इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये छोटे छोटे इंटर डिपेंडेंट जो पार्ट्स होते हैं, यही मिलकर एक वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं. तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड. मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, बट सिस्टम अप्रोच ये कहता है, सिस्टम अप्रोच इन द मैनेजमेंट इज बेसिकली सेज दैट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्क एज अ सिस्टम. नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकेंड अप्रोच इन ऑफ द मैनेजमेंट इज द कंटीजेंसी अप्रोच. एंड कंटीजेंसी अप्रोच इज बेसिकली दैट इज सेज दैट, अगर मैं आपको सिंपल
वे में कहूँ, देर इज नो बेस्ट वन बेस्ट देर इज नो वन बेस्ट अप्रोच टू मैनेजमेंट. आपको पता ही है कोई भी बेस्ट तरीका नहीं होता किसी भी मैनेजमेंट करने का. एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल एंड एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव रिगार्डिंग एनी सिचुएशन. अगर आप कोई सिचुएशन को डील करते हैं, कोई भी मैनेजर जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी सिचुएशन को डील करता है, तो एवरी मैनेजर हैव अ डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट नॉलेज. तो हर एक मैनेजर का हर एक सिचुएशन में डिफरेंट डील होता है, डिफरेंट सॉल्विंग रिजॉल्विंग सोल्यूशन होता है हर एक मैनेजर के पास. तो एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स एंड डिफरेंट स्किल्स के कारण वो डिफरेंट सेम प्रॉब्लम्स को डिफरेंट सोल्यूशन के थ्रू रिजॉल्व करता है. तो इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन दैट एवरी मैनेजमेंट एक्शन इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. इट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. देर कैन नॉट बी अ सिंगल बेस्ट अप्रोच फॉर ऑल सिचुएशन. कोई भी बेस्ट सिंगल अप्रोच नहीं होता किसी भी प्रॉब्लम और सिचुएशन को डील करने का. एंड दिस कंटीजेंसी अप्रोच इज ऑल अबाउट. कंटीजेंसी अप्रोच कहती है, कंटीजेंसी अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज सिचुएशनल अप्रोच. मीन्स मैनेजमेंट में जो मैनेजर होते हैं वो बेसिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपने सोल्यूशन बेस्ट अप्रोच को यूज करता है. और कोई बेस्ट तरीका नहीं होता किसी भी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने का. डिपेंड अपॉन द सिचुएशन के बेसिस पे ही बेस्ट तरीका होता है. और वी कैन से दैट ऑल द टूल्स एंड मैनेजमेंट जो टूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस होती है, इट टोटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. तो कोई भी मैनेजर कौन से टूल्स को यूज़ कर रहा है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे और मैनेजर की स्किल्स पर. और कोई बेस्ट वे नहीं होता किसी भी सिचुएशन को डील करने का. तो दिस कंटीजेंसी अप्रोच यही कहती है कि मैनेजर जो होता है आज की डेट में, जो मैनेजमेंट अगर करना है तो डिपेंड अपॉन द मैनेजर. देयर अप्रोच इज आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ द टास्क, द साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल, मैनेजर जॉब एंड द पर्सन ह्यूमन रिसोर्स एज अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट मैनेजमेंट सिचुएशन एंड अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट देम ऑल इन अ सोल्यूशन विच मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ स्पेसिफिक सिचुएशन. तो जितने भी टूल्स हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट टूल्स हैं या पर्सन है, मैनेजर जॉब्स हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन से सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है. तो कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं होता, टोटली डिपेंड अपॉन द मैनेजर स्किल्स. एंड वी कैन से दैट द कंटीजन अप्रोच बेसिकली मीन्स इमिडिएट और द सर्कमटेंसेस अप्रोचेज. द मैनेजर हैज़ टू सिस्टमेटिकली ट्राई टू आइडेंटिफाई विच टेक्निक और अप्रोच विल बी बेस्ट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर सिस्टम. तो ये टोटली डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि मैनेजर कौन से सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सोल्यूशन निकालता है. देर इज नो वन बेस्ट अप्रोचेज टू द मैनेजमेंट. और कंटीजेंसी अप्रोच सीक टू अप्लाई टू द रियल लाइफ सिचुएशन से भी डिपेंड करता है. दे क्लेम दैट नो वन अप्रोच इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड डिफरेंट प्रॉब्लम एंड सिचुएशन रिक्वायर डिफरेंट अप्रोचेज. तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आ जाती है. और डिफरेंट सिचुएशन आने के कारण जो सोल्यूशन होता है उस सिचुएशन को डील करने का, जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजियल वे होता है, वो भी डिफरेंट होता है. तो हर एक मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो कौन से सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा सोल्यूशन अपना रहा है. तो कोई बेस्ट वे तरीका नहीं होता मैनेजमेंट करने का, टोटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. द मैनेजर मस्ट ट्राई टू अप्रोच दैट बेस्ट फॉर देम इन अ सर्टेन गिवन सिचुएशन सो दे कैन अप्रोच. तो मैनेजर पे डिपेंड करता है उसको कौन सा बेस्ट सोल्यूशन लगता है बेस्ट सिचुएशन के हिसाब से. तो वो अपने अपने स्किल्स एंड नॉलेज के बेस पे अकॉर्डिंगली उसको अप्रोच कर सकता है. एंड इट इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द कंटीन्यू अप्रोच स्ट्रेस द नीड फॉर द मैनेजर टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कंटीजी अप्रोच में बेसिकली फोकस किया है कि मैनेजर को देखना पड़ेगा, दे हैव टू बी एग्जामिन कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है उसके डिसीजन को, उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेगा. द क्रिटिक ऑफ द कंटीजेंसी अप्रोच हैव ब्लेम इट लैक थियोरिटिकल फाउंडेशन एंड बेसिकली इंट्यूटिव. तो बेसिकली कंटीजेंसी अप्रोच को ये माना गया है कि ये बेसिकली थियोरिटिकल फाउंडेशन नहीं है इसमें, बेसिकली प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अप्रोच है. और ये बेसिकली इंट्यूशन पे डिपेंड करता है कि पर्सन के इंट्यूशन पे डिपेंड करता है कि पर्सन को कौन सा बेस्ट तरीका लगता है. तो यहाँ हर एक मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन डिफरेंट मैनेजिंग स्किल्स का होता है, वो अपने लिए बेस्ट तरीका निकालता है. तो
कंटीजेंसी अप्रोच के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, बट दिस अप्रोच इज बेसिकली वी आर यूजिंग इन करंट सिनेरियो। मैनेजमेंट करते वक्त हम कंटीजेंसी अप्रोच के अकॉर्डिंग ही मैनेजर यूज करता है। मींस हर एक मैनेजर अपने सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट तरीका होता है, कोई बेस्ट तरीका नहीं होता किसी सोल्यूशन के लिए, बट टोटली डिपेंड अपॉन द मैनेजर, मैनेजर पे डिपेंड करता है कि मैनेज कौन सी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी मैनेजमेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। और वी कैन से दैट अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम आर डिफरेंट अंडर द डिफरेंट सिचुएशन एंड इट नीड टू बी टैकल एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन ऑन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट मे बी यूज फॉर द रिपीटेटिव थिंग नॉट फॉर द मैनेजर प्रॉब्लम्स। तो कोई कोई बेस्ट तरीका किसी बेस्ट सेम सिचुएशन में यूज़ तो कर सकते हैं, बट द मैनेजर प्रॉब्लम में अगर हमें देखना पड़ेगा किस तरह की सिचुएशन है एंड द कंडीशन ऑफ द सिचुएशन एंड द कंटीजेंसी विल डिटरमाइन विच टेक्निक शुड बी डिजाइन टू फुलफिल द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक, कौन सी मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करना है, इट टोटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो कंटीजेंसी अप्रोच ये कहती है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो आज की डेट में हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट को हम अगर अप्रोच करते हैं, मैनेजमेंट अगर किसी कंपनी में करना है तो टोटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि कौन से सिचुएशन में कौन से मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक यूज होते हैं, टोटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन पे डिपेंड होता है, कंटीजेंसी पे डिपेंड होता है। कंटीजेंसी मीन्स सिचुएशन पे डिपेंड होता है कौन से अप्रोचेस कौन सा मैनेजर यूज कर रहा है। मैनेजर टुडे आर एडवाइज टू एनालाइज द सिचुएशन एंड यूज आइडियाज फ्रॉम द वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स टू फाइंड द एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक टू मीट द नीड ऑफ द सिचुएशन और इन होल और इन अ क्रक्स ऑफ द कंटीजेंसी अप्रोच ऑफ द मैनेजमेंट। वी कैन से दैट अगर मैनेजर को आज की डेट में मैनेजमेंट करना है इन अ टुडे सिनेरियो और इन अ मॉडर्न वे, द मैनेजमेंट वे क्या बोलता है कि बेसिकली कंटीजेंसी अप्रोच से ही मैनेजर को वर्क करना चाहिए। मीन्स उसको अपनी सिचुएशन को, हर एक सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम्स को अगर उसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसकी सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम्स को अच्छे से डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, अपने आइडियाज यूज करने पड़ेंगे और फिर जाके अपने मैनेजमेंट टूल्स यूज करके एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक यूज करके दे नीड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड मीट द नीड ऑफ द सिचुएशन, उस सिचुएशन को डील करना है। तो कंटीजेंसी अप्रोच सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपने मैनेजमेंट टूल्स यूज करने, मैनेजमेंट करना है। दिस इज ऑल अबाउट द कंटीजेंसी अप्रोच एंड वी हैव डिस्कस, हमने दोनों अप्रोच डिस्कस कर लिए कि आज की डेट में मैनेजमेंट के लिए दो अप्रोचेस, मॉडर्न वे अप्रोचेस हैं, दैट इज अ सिस्टम अप्रोच एंड द कंटीजेंसी अप्रोच। तो दिस इज बेसिकली टू अप्रोच वी हैव डिस्कस इन पर्टिकुलर सेशन। तो थैंक यू माई डियर स्टूडेंट।